बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो जनाब, मैं जा रही हूँ सुमायर सास वैली। सास वैली बेसिकली शायर अस्कुरदास और सुमायर को कहते हैं, और सुमायर से हसनाबाद का पुल जो कि हंजा को कनेक्ट करता है मेन के कैसे, वो टूट चुका है बिल्कुल। और अल्टरनेटिव जो है वो रास्ता नगर सुमायर वैली सास वैली से है। सो आई एम गोइंग देयर एंड वांट टू सी कि वहाँ पे किस तरह से ट्रैफिक चल रही है, क्या सिस्टम है, गाड़ियाँ फंस रही हैं, नहीं फंस रही, वहाँ के लोकल लोग और इंतज़ामिया किस तरह से काम कर रहे हैं। सो आई एम गोइंग टू शो यू दैट रूट, सो स्टे ट्यून एंड बी विथ मी। यस, चलते हैं। हज़ार का डाल दें जी। ओके गाइस, तो फाइनली फ्यूल मिल गया है रिस्पो से, और पीएसओ का पंप था जहाँ से मैंने फ्यूल फिल कराया है, और पूरा ही फिल करवा दिया है फुल, क्योंकि कोई जो है ना वो नहीं है, क्या कहते हैं, कोई सीन नहीं है, कुछ भी हो सकता है। सो दैट्स व्हाई गाड़ी में फ्यूल फुल होना लाजमी है। और ना एक पॉइंट कम होता है ना, मतलब लास्ट के दो बार्स होते हैं फ्यूल के, तो मुझे टेंशन शुरू हो जाती है। सो दैट्स इट। आज का मेरा जो प्लान है वो है सुमायर से होते हुए हंजा जाने का। बेसिकली आप सबको पता होगा कि जो मेन KKH कराक्रम हाईवे से जो हंजा को जो कनेक्ट करता है ब्रिज हसनाबाद का, वो टूट चुका है, मतलब पूरा ही टूट गया है ड्यू टू ग्लॉफ। और वैसे ये मेरा जो है वो फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट भी है डिज़ास्टर से रिलेटेड। सो काफ़ी कुछ इसके बारे में बात करना चाहती हूँ, लेकिन डिज़ास्टर के हवाले से बात नहीं करूँगी। फ़िलहाल जो वीडियो है वो बेसिकली इस चीज़ पे बनाने जा रही हूँ कि किस तरह नगर के जो नौजवान हैं या वहाँ पे जो तंजीम काम करती हैं, वो लोग किस तरह ट्रैफिक को जो है वो रवा दवा रखे हुए हैं टूरिस्ट के लिए और लोकल्स के लिए। और बेसिकली मैंने सुमायर में काफ़ी टाइम गुजारा है, लाइक ऑलमोस्ट ये कह सकते हैं कि मतलब रात के अंधेरे में मैं जो सुमायर वाला रास्ता है वहाँ से हंजा से सुमायर आती जाती रहती हूँ। और टोटली सेफ सुमायर वैली बहुत खूबसूरत एक वैली है। सो या लेट्स सी कि किस तरह से जो है वो वहाँ पे जो है वो जो नौजवान हैं, जो सुमायर के लोग हैं, नगर के जो लोग हैं, किस तरह टूरिस्ट को वेलकम कर रहे हैं, किस तरह ट्रैफिक चल रही है। सो वी विल सी इट। और कुछ चीज़ें सुनने में आई थी, फॉर एग्ज़ाम्पल के कानवाय बना के जाना चाहिए गाड़ियों को, जिसके मैं फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि कानवाय वहाँ होता है जहाँ पे सिक्योरिटी इशूज़ होते हैं। नगर इज़ टोटली सेफ। सो वी विल चेक इट, वी विल सी इट, हम जाएंगे वहाँ, मैं आपको भी दिखाऊंगी कि किस तरह से वहाँ से सिस्टम हो रहा है, चल रहा है। तो या लेट्स गो विथ मी। तो जनाब, आई एम हेयर एट जाफराबाद, और यहाँ पे मैं कार वॉश करवा रही हूँ। और बेसिकली यहाँ पे कुछ लोग हैं, एक नासिर भाई हैं जो कि पुलिस में हैं और जाफराबाद से ही बिलोंग करते हैं, तो वो पहले आइसक्रीम लेके आए मेरे लिए और अभी चेरीज लेके आए हैं। सो गाड़ी धुल जाती है जब तक मैं चेरीज खाती हूँ, उसके बाद फिर हम जाएंगे सुमायर की तरफ। यस ओके गाइस, सो यू कैन सी यहाँ पे बाढ़ लगे हुए हैं, और ये रास्ता नीचे सुमायर की तरफ जाता है, इधर हसनाबाद की तरफ जाता है जहाँ पे पुल टूटा है। सो लेट्स सी
नगर की बात की जाए तो नगर खूबसूरत वादियों, ऊंचे पहाड़ों, ग्लेशियर्स और मशहूर सियाहती मकामात की सरजमीन होने के साथ इंतहाई पुरअमन और मेहमान नवाजी के हवाले से मशहूर ज़िला है। जब हसनाबाद का ब्रिज टूटा, उसी फौरन बाद नगर वालों ने अपने रास्ते टूरिस्ट और लोकल लोगों के लिए खुले दिल से खोल दिए। बल्कि हर बार की तरह जब शिशपर ग्लेशियर की वजह से हुंजा के रास्ते हसनाबाद से बंद होते थे, तब भी नगर के ही रास्ते इस्तेमाल होते आए हैं। सास वैली एक नहायत खूबसूरत वादी है, जहां खूबसूरत चश्मे, आबशारें और ग्लेशियर्स मौजूद हैं। जो भी सियाह इस तरफ आते हैं, वहां कुछ दिन रहकर इस वादी को एक्सप्लोर करना ना भूलें। इस रास्ते की बात की जाए तो ये कारपेटेड रोड है, छोटी बड़ी गाड़ियां, कोस्टर्स और वैन्स आसानी से गुजर रही हैं, जबकि बस या ट्रक के गुजरने के लिए ये सड़क काबिल नहीं। इस रास्ते पर कुछ जगहों पर मोड़ इंतहाई ख़तरनाक है, इसलिए गाड़ी की स्पीड नॉर्मल रखना ज़रूरी है। ये रास्ता तकरीबन 14 किलोमीटर बनता है, जो कि 20 मिनट में तय पाता है। जगह जगह नगर स्काउट्स के लड़के नज़र आते हैं, जो टूरिस्ट को गाइड करते हैं और रास्ते की रहनुमाई देते हैं। इसके अलावा एम्बुलेंस भी खड़ी नज़र आई, पुलिस ट्रैफिक भी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। उसके अलावा टूरिस्ट पुलिस की गाड़ियां भी जगह जगह नज़र आती हैं। वादिया नगर का ये रास्ता नहायत खूबसूरत है। शायार से आपको राकापोशी का शानदार नज़ारा मिलता है, और अगर आप ममूबर चले जाएं तो हुंजा की लेडी फिंगर पीक और अल्तर पीक भी नज़र आती है। इसके अलावा दरिया का शानदार नज़ारा मिलता है, जो कि दिल को सुकून देता है। नगर के लोग मेहमान नवाज हैं, इसलिए चंद दिन गुजार कर वहाँ सुकून करना बेहतर है। जब मुझे ये खबर मिली कि हसनाबाद का ब्रिज बिल्कुल टूट चुका है और अब मेन कराक्रम हाईवे से हुंजा को रास्ता जाता जो है वो बंद हो चुका है, तो उसी वक्त मेरे दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी कि नगर के लोग इस खबर को किस तरह लेंगे और किस तरह रिएक्ट करेंगे। लेकिन नगर के जो लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा आला ज़र्फ रखने वाले लोग हैं, और उन्होंने हर बार की तरह जब भी हुंजा के रास्ते बंद हुए हैं शिशपर ग्लेशियर की वजह से या पानी के ज़्यादा बहाव की वजह से, जब भी हुंजा के रास्ते बंद हुए हैं तो नगर वालों ने अपने रास्ते टूरिस्ट और लोकल लोगों के लिए हमेशा खोले हैं, और इस बार भी उन लोगों ने अपने रास्ते टूरिस्ट और लोकल लोगों के लिए खुले दिल से खोल। ये भी पंजाब से आए हुए हैं ना? जी जी। मैं आपका जिक्र कर रहा था, माइन पे आई थी ना? जी जी जी। फिर बिल्कुल आप थोड़ा उनको गाइड करें, ठीक है ना? ये बालपुर के रहने वाले, ये मेरे घर में आए इधर ना, आप इनको कैंपिंग साइट दिखाने के लिए मैं मुंबई जा रही हूं। आए उनसे मिले, सिर्फ आप उनसे कहे इस इलाके के बारे में, ठीक है ना? थोड़ा आप आगे चले, उनको वीडियो दिखा देना मेरा। नहीं नहीं, आप खुद दिखा दे, आप थोड़ा गाइड करें।
जब मैं सुमायर वैली पहुंची तो मैंने सोचा चलो मामूबर कैंपिंग एरिया का भी विजिट कर ही लेते हैं। और उस तरफ जाते रास्ते में मुझे मिले कुछ टूरिस्ट जो कि आए हुए थे भावलपुर से, और ये इनका फर्स्ट विजिट था सुमायर वैली का, नगर वैली का। तो मैंने कहा कि चलो इनसे मुलाकात कर लेते हैं और इनको बताते हैं कि नगर वैली किस कदर खूबसूरत है और ये कितने खुश नसीब हैं कि ये यहाँ पे पहुँच गए हैं। तो इन टूरिस्ट से मिलके मैंने इनको मामूबर कैंपिंग एरिया के बारे में बताया और वहाँ वेलकम किया, और थोड़ी देर के बाद ही हम वहाँ पे मिल गए दोबारा से चाय पे। ओके गाइस, सो आई एम हियर एट मामूबर कैंपिंग साइट, और मैं सोचा कि सुमायर आ ही गए तो यहाँ पे चक्कर लगा लेते हैं। सो यस, ओके गाइस, दिस इज मामूबर कैंपिंग एरिया, या एंड मैं यहाँ पे आई हूँ फैयाल और उसकी मॉम को लेके। फैयाल वीडियो बताती है और यहाँ पे आके बहुत सुकून मिलता है, बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं यहाँ पे, अभी लगते हैं। ओके गाइस, सो यू कैन सी हियर, तो यहाँ पे टूरिस्ट आए हुए आए, हम इनसे थोड़ा मिलते जुलते हैं, थोड़ी बात करते हैं और देखते हैं कि क्या करती हैं। सो आई एम हियर एट मामूबर कैंपिंग एरिया, और मेरे साथ जो है ना बहुत ही प्यारा सा एक कपल है, टूरिस्ट हैं बेसिकली, लेकिन बिल्कुल गिलगित बल्तिस्तान के ही लग रहे हैं। आइए आपको उनसे मिलाते हैं और उनके व्यूज़ जानते हैं कि उनको यहाँ पे कैसा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना तारुफ कराइएगा। मेरा नाम अजीज़ुर रहमान है, हम भावलपुर से आए हुए हैं। माशाल्लाह, हमें पाँचवा दिन है यहाँ पे। पहले हम अस्तौर गए थे। थोड़ा लाउड बोलिए। पहले हम अस्तौर गए थे तो वहाँ पे रैमा लेक गए थे, उसके बाद देवसाई लेक गए थे, उसके बाद यहाँ आए तो एक हमें भाई मिले हैं, वो हमें अपने घर भी ले गए हैं। यहाँ के लोग जो हैं मेहमान नवाज हैं, उन्होंने हमें यहाँ पे भी ले आए हैं। ग्रीनरी भी है, बहुत मज़ा आ रहा है, साथ में दरिया है और लोग जो हैं यहाँ के बहुत अच्छे। सही, ज़बरदस्त। थैंक यू, आपकी बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच आपके टाइम का, और माशाल्लाह आप दोनों बहुत प्यारे लग रहे हैं। थैंक यू। मेरा नाम मुजीब रहमान है, मैं लोधरा से बिलोंग करता हूँ, ज़िला लोधरा से। ज़बरदस्त। और हमारा बिजनेस है जोंग के वाले से। सही सही। तो हम फैमिली के साथ इधर टूर पे आए हैं। सही। और हम अस्तौर गए थे, देवसाई गए थे, रामा मिडोस भी विजिट किया है। सही, ज़बरदस्त। और अब हम गिलगित की तरफ आए हैं, उमदा की तरफ। इस वक्त अभी आप सुमायर में मौजूद हैं। सुमायर में मौजूद है इस टाइम। तो ये जगह आपको नगर वैली कैसी लगी, इसके बारे में बताएं। ये नगर वैली सुमायर जो फर्स्ट टाइम हमने ये देखा है। जी जी। और हुंदा मैं लास्ट तीन दफा विजिट कर चुका हूँ। जी जी। और ये सुमायर हुंदा से मुझे बहुत खूबसूरत नजर आया, क्योंकि यहाँ से हुंदा का मुकम्मल व्यू नजर आता है। और यहाँ के जो मकामी आबादी है, लोग हैं बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत मिलनसार हैं। सही सही। और बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम। सही, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच आपके टाइम का। थैंक यू। और हैव अ सेफ ट्रिप। ओके गाइस, सो फाइनली आई एम गोइंग बैक टू माय होम, और जाते हुए भी मैंने पूरी रिकॉर्डिंग की है और रास्ते की, और वापसी आते हुए भी मैं ये सोच रही थी, क्योंकि सुमायर का जो वो रास्ता है कहीं कहीं से सास वैली में मोड़ बहुत डीप हैं, तो काफ़ी रश होगी वहाँ पे गाड़ियों की, लेकिन बहुत मतलब मुझे ऐसा लगा था कि ट्रैफिक जैम होगा वहाँ पे, बट इट वाज रियली स्मूथली, लाइक ट्रैफिक वहाँ से जा रही है इजीली, और बड़ी गाड़ियाँ भी गुजर रही हैं जो कि मैंने देखा। सो इट्स रियली नाइस, और अल्टरनेट है नगर वैली सास वैली से, और ऐसा नहीं है कि मतलब आपको मसला हो। सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो टू हुंजा और नगर वैली, देन यू नो रास्ते का कोई मसला नहीं है, आप इजीली आ सकते हैं। टूरिस्ट बहुत ज़्यादा नगर में इंजॉय कर रहे हैं, और मुझे देख के बहुत खुशी हुई है, मतलब बहुत खुश हो रहे थे वो लोग नगर की ब्यूटी देख के, और बहुत खुश थे। एक चीज़ जो मैं लाजमी कहना चाहूँगी, मतलब जिस तरह से हसन आबाद का पुल गिरा, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, और मैं ये सोची थी कि पता नहीं नगर के लोग इसको किस तरह से लेंगे, क्या वो अपने रोड्स की जगह मतलब जगह देंगे टूरिस्ट और लोग।
लोकल हुंजा के लोगों को कि वो वहाँ से गुजरे। इस आला जरफी का मुजाहरा किया है नगर के लोगों ने, नगर के नौजवानों ने, और जिस तरह वहाँ की तंजीम, वहाँ के नौजवान लड़के, स्काउट्स के लड़के जिस तरह खड़े हैं रोड पे टूरिस्ट को गाइड कर रहे हैं, गाड़ियों को गाइड कर रहे हैं कि किस रूट से कैसे जाना है, इट्स रियली अमेजिंग। और देख के बहुत खुशी हुई है और नगर ने खुद को एक बार फिर प्रूफ किया है कि वो आला जर्फ रखते हैं। अगर सोचा जाए तो सास वैली के जो लोग हैं, नगर के जो लोग हैं, उनका अपना कोई मफाद नहीं है इसमें के टूरिस्ट की गाड़ियां वहां से गुजरें, बल्कि अगर आप लोगों को मालूम है तो सुमायर नगर में ऊपर दुनिया की बुलंदतरीन एक्वामरीन की माइंस मौजूद है जिसको छिमरबुकुर कहते हैं, जो कि नहायत ही खूबसूरत जगह है, और उस माइंस से काफ़ी ज़्यादा मकदार में मिनरल्स मिलते हैं जो कि सुमायर के लोग उसको सेल करते हैं, और बहुत अच्छा वेल ऑफ लोग हैं वो लोग, और उनको कोई ज़रूरत नहीं है कि वो टूरिज़्म के लिए कुछ करें या उसी कमाई पे डिपेंडेंट हो। लेकिन सास वैली, सुमायर शायर अस्कुरदास बहुत ही खूबसूरत वैलीज़ हैं नगर की, और जो जो टूरिस्ट यहाँ से गुज़र रहे हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप काइंडली वहाँ पे एक दो दिन रुकें और वो इलाके आप जो है वो लाजमी विज़िट करें और वो जगहें घूमें, क्योंकि बहुत खूबसूरत हैं और आपको फिर पता चलेगा कि नगर के लोगों की मेहमान नवाजी कैसी है, वहाँ के लोग कैसे हैं। वहाँ पे गेस्ट हाउसेस भी अवेलेबल हैं, रहने का इंतज़ाम भी है और खाने पीने का भी इंतज़ाम है। तो काइंडली अगर आप वहाँ से गुज़र रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप काइंडली वहाँ पर कुछ दिन ठहर के, एक दिन कम से कम वहाँ पे रुक के आप वहाँ के जो एरियाज़ हैं वो विज़िट करें। ओके, तो गाइस दिस वाज माय ट्रिप टू सुमायर वैली। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और यहाँ पे अच्छे खासे टूरिस्ट आए हुए हैं और काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं, और आई होप आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आ गया है तो लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नई किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।